तो ये बेरा के बड़े खबर आप मतलब बता दें, जिन तरह ले राजधानी रायपुर में तेज बारिश होते एक बाद मंत्री ताम्रध्वज साहू के बंगला के दीवार गिर गए। तेज बारिश के बाद मंत्री के बंगला के दीवार गिरे है। पांचों साल घलो के इसी तरह के घटना हो रही से पांचों साल घलो के मंत्री के बंगला के दीवार गिर गई रही से जिक्र बाद एक मरम्मत कराई गई रही से पीडब्ल्यूडी विभाग हा दीवार के निर्माण कराई रही से। फिर जिन तरह ले आज झमाझम बारिश हुई एक बाद एक गाँव फिर तेज बारिश के बाद मंत्री ताम्रध्वज साहू के बंगला के दीवार गिर गए है। तस्वीर घलो के आप मन देखा था कि तो कौन तरह ले बारिश के असर यहां देखे जाते ये साफ तौर में नजर आते कि पीडब्ल्यूडी विभाग मां मंत्री के घर के दीवार तक को गिर गए है। खबर पर जरा जानकारी के संग हमारे सहयोगी संदीप शुक्ला हमारे मन संग जुड़त है। संदीप जमाजम बारिश राजधानी में हो हवे और सड़क तो लबालब हवे ही है, फिर ये तस्वीर घलो के हम दर्शक दिखाते हैं कि कौन तरह ले मंत्री जी के घर के दीवार तक उठ गए है। बिल्कुल देखिए अपन आप में बहुत बड़े सवाल है काबर की पीडब्ल्यूडी मंत्री है ताम्रध्वज साहू जी अपन और अपन एक जरूरी बात बता दें कि जो दीवार गिरे है ये पिछले साल जैसे बारिश हुई रही से तो दीवार गिर गई रही से 12-13 फीट ऊंचे दीवार है वो गिर गई रही से दीवार ना फिर से पीडब्ल्यूडी के अधिकारी मन खड़े होकर बना रहे इस रातों रात अभी एक साल नहीं हुए और फिर से दीवार गिर गए मतलब वही से दीवार है जो गिरे है दो बार साल भर में। तो आप मैं समझ सकते हो कि पीडब्ल्यूडी के किस टाइप के निर्माण की गुणवत्ता है या फिर भाई मंत्री बंगला में काम चला थे तो वहां की दीवार गिरा थे तो अब मन कल्पना कर सकते हो कि सवाल उठना लाजमी है काबर की पीडब्ल्यूडी मंत्री है पीडब्ल्यूडी के ठेकेदार और अधिकारी मन दीवार बनवाए हैं और पीडब्ल्यूडी मंत्री के बंगले की दीवार गिरा थे साल में दो दो बार तो कहीं ना कहीं जो ये सवाल उठना लाजमी है कि गुणवत्ता या फिर जो निगरानी नहीं हुए है गुणवत्ता में बहुत ज्यादा खराबी है। फिलहाल एक तो ठीक बात यह है कि कोई चोटी नहीं हुए काबर की चालू रोड है और जल भराव है तो बहुत ज्यादा ट्रैफिक जाम रही है और 12 फीट ऊंचे लगभग दीवार है तो वो पूरा दीवार गिर रहे हैं और जो जुड़ा हुआ था जो जुड़े हुए भाग है दीवार के वो भी बैंड हो गए हैं तो कभी भी गिर सकते हैं। तो एक पीडब्ल्यूडी के अधिकारी मन यहाँ खड़े हैं दीवार गिरा के अभी टीने की चादर लगाते हैं वो सुरक्षा के लिए लेकिन कहीं ना कहीं जो घटना है अपन आप में बड़ा सवाल खड़े कर दे है कि मंत्री के घर के अगर दीवार गिरा थे तो शहर में जो बाकी प्रोजेक्ट खड़ा जो है वो करके निगरानी करा थे कि नहीं अधिकारी मन जी। बिल्कुल संदीप जब लोगन कंप्लेन करते गुणवत्ता ऊपर सवाल उठाते तब तो कर जांच करी जाती है लेकिन मंत्री जी के घर के ही दीवार ला जिन पीडब्ल्यूडी विभाग बनवाए है अब वही अगर एक साल में ये हालात में पहुंची तो देखना होगी कि कौन तरह की कार्रवाई होते है ऊपर। बिल्कुल पूरा सवाल उठे कि जरूरी है काबर की अपन हमन जो यहाँ मौके में खड़े हैं यहाँ पर अपन बता दो एक तो पूरा पानी भरे है जल भराव विकट टाइप से हुए सिविल लाइन के बड़ा इलाका है पूरा अंधेरे में घरों डूबे मतलब दिखत कुछ नहीं। अब ऐसे टाइप के 12 फीट ऊंचे दीवार है बहुत अकन मोटा दीवार है उसके बाद दीवार गिरे और अंदर पूरा मुरुम फीलिंग है तो कहीं ना कहीं लापरवाही साफ साफ दिखत है। अधिकारी यहाँ पर मौके में है हमन कुछ जवाब दे के अभी स्थिति नहीं हमन बोला था भैया तो नया दीवार दिखाते प्लास्टर नवा पोताई नहीं हुए है तो हमन बोले कुछ बोला नहीं सकते हमन हमन पूछा था कि किस टाइप के फिर शहर में कहा है भाई एक्सप्रेस वे के उदाहरण हमन देखे थे आए दिन जो शहर में गड्ढा गड्ढा हर जगह दिखा थे तो सवाल उठना लाजमी है। अभी देखने वाली बात है कि हम कार्रवाई का हुई क्योंकि कहीं ना कहीं तो उदाहरण तो भाई पेश करना चाहिए अभी एक साल में मंत्री बंगला दीवार गिरा थे तो कहीं ना कहीं तो लापरवाही बहुत बड़ा है तो क्या कार्रवाई हुई वहाँ देखने वाली बात है जी। जी जम्मू जानकारी पर आपके बहुत बहुत धन्यवाद संदीप। हालांकि जिन तस्वीर आप मन ये मेरा देखा तो आप मन एक गांव फिर बता दें कि ये गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू के घर के दीवार हवाए देखो जुन्ना दीवार होतीस वो गिर जतीस अगर बारिश में तो एक अलग बात रही से लेकिन सरकारी आवास है मंत्री जी के निवास है वो सिर्फ एक साल पहले ही बने हुए दीवार है ऐसे में निश्चित तौर में एक गुणवत्ता ऊपर भी सवाल उठते है उस संगे लापरवाही घलो के आग हुआ हवाए। रायपुर में घंटे भर की बारिश ने प्रशासनिक दावों की पोल खोल कर रख दी है। शहर में जल भराव तो हो रहा है लेकिन एक बड़ी घटना हुई है पीडब्ल्यूडी मंत्री ताम्रध्वज साहू के निवास की दीवार गिर गई है। अब ये सामने जो देख रहे हैं ये दीवार रायपुर में घंटे भर की बारिश ने प्रशासनिक दावों की पोल खोल दी है। रायपुर में जगह जगह जल भराव तो हुआ ही है लेकिन एक बड़ी घटना हुई है पीडब्ल्यूडी मंत्री ताम्रध्वज साहू के बंगले की दीवार गिर गई है और ये पहली बार नहीं हुआ है। पिछले साल भी आप जो ये जो दीवार देख रहे हैं ये पिछले साल
भी गिरी थी और इसका नवनिर्माण हुआ था। ये नई दीवार जो पिछले साल खड़ी की गई थी और ये इस बार बारिश में, घंटे भर की बारिश में ये फिर से गिर गई है। तो हालांकि सौभाग्य की बात है कि कोई इससे चोटी नहीं हुआ है, कोई जनहानि नहीं हुई है, क्योंकि 10 से 12 फीट ऊंची दीवार है, लेकिन कहीं ना कहीं इसके निर्माण की गुणवत्ता पर एक बड़ा सवाल है, क्योंकि खुद पीडब्ल्यूडी मंत्री के बंगले की अगर दीवार गिर रही है तो सवाल उठना लाजमी है। और ये पहली बार नहीं, ये दूसरी घटना है। आपको बता दें पिछले साल ऐसी ही बारिश में दीवार गिर गई थी और दोबारा इसे बनाया गया था और दीवार फिर से गिर गई है। फिलहाल सुरक्षा के लिए आप देखेंगे कि टीन की चादरें यहाँ पर लगाई जा रही है, लेकिन अपने आप में बड़ा सवाल है कि ठेकेदार ऐसा कैसा निर्माण करते हैं और उनकी कितनी निगरानी होती है कि जो दीवार पीडब्ल्यूडी मंत्री के यहाँ बनाई जा रही है वो साल भर भी नहीं टिकती, और सवाल उठे इसमें इसलिए लाजमी है। कैमरामैन अभिषेक गर्ग के साथ संदीप शुक्ला, IBC 24 रायपुर।